तो पूरा पाकिस्तान आज तक भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बर्बाद हो गया। जन कहाँ कहाँ थे, देखो नंबर से देखो खुफिया तो बात करते। अब ये मोदी जी ने कर दिया है, औरतें आगे कर दी है, अब औरत मुखिया हो गई है। हमें तो सर ये ऐसी बात लगती है कि कुछ गड़बड़ है, ये अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही है। तभी तो आई है वो, तभी तो हम शरणार्थी कह रहे हैं। शरणार्थी की रक्षा करना धर्म है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस समय उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में, और यहाँ हम कुछ बुजुर्गों से जानते हैं उनकी राय कि वो सीमा हैदर पर अपनी क्या राय रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं KIA न्यूज़। क्या नाम है सर आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, क्या लगता है आपको, सीमा हैदर के बारे में जानते हैं कुछ? अब जी सुन रहे हैं टीवी में, फोन में, वही आ रहा है, वही देख रहे हैं। चलिए चलिए, तो क्या क्या कहना है आपका, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, तो वो सचिन के प्रेम में आई हैं या आपको कुछ और लग रहा है? हमें तो प्रेम ही लग रहा है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं। जासूस होती तो एड्रेस क्यों देती, सही वाक्य से वो सही एड्रेस है, जासूस नहीं है। जासूस नहीं है। आपको आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम आश्रे। राम आश्रे, राम आश्रे, आश्रे। हाँ जी, राम आश्रे जी, क्या लगता है आप? हमें तो सर ये ऐसी बात लगती है कि कुछ गड़बड़ है, ये अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही है। अच्छा, पाकिस्तानी जासूस हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैंने आज भी पेपर पढ़ा, उसके जो मोबाइल है, फोन है, वे जन कहाँ कहाँ थे, देखो नंबर से देखो खुफिया बात करते। अच्छा, वो बात है, हाँ पेपर ने बताया आज। और क्या वजह हो सकती है? और वजह क्या हो सकती है? क्यों लगता है आपको, क्यों लगता है कि वो पाकिस्तानी जासूस है? वो जैसे पेपर बताता है, अपनी राय दो। अपनी राय तुझे है कि अब जो पेपर बता रहा है, कोई झूठ तो नहीं बता रहा? नहीं, आपकी क्या राय है? तो भारत में वो कहती है कि मुझे भारत छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मर जाऊं, तो आपका क्या कहना है, उसे जाना चाहिए भारत को, छोड़ना चाहिए या भारत को छोड़ना चाहिए? ऐसे आदमी भारत में नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं। क्या क्या नाम है आपका सर? हम भैया का चुनाव जान जाते हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं? नाम पे बड़े बड़े आप जानते हैं? बड़े नहीं, चलिए ना भाई सुनो। हाँ सुनो, देखो अपने इंडिया में औरत को पूज नहीं मानते हैं, अब चाहे पाकिस्तान की हो चाहे कहीं की भी हो, कैसे भी आ गई उसकी जांच कर लो। हाँ, उसको बना रहने दो, न वो तो वहाँ मारी जाएगी, तो ये पाप पड़ेगा इंडिया पे, औरत का पाप लेना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ मोदी जी अब मत बोलो, मोदी जी तो वैसे धार्मिक है, और योगी जी धार्मिक, वो कह रही है, वो योगी और मोदी जी से गुहार लगा रही है, वो कह रही है योगी जी और मोदी जी मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि मुझे भारत में ही रहने दें। भाई ये पाप नहीं लेगा कोई इंडिया का आदमी, कोई धर्म पाप नहीं लेगा इंडिया में, यही तो विशेषता है। क्या लड़की पर अन्याय नहीं होने देखेगा और न होने देगा जी। आप कह रहे थे हुआ ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे थे सरकार ने कमो करो, आप कह रहे थे वो जासूस हो सकती है, उसने भारत में आकर के वो हिंदू बन गई है और उसने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो पूजा पाठ भी कर रही है, ये देखा है जैसा आपने टीवी में देखा होगा, तो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि अब जो है पाकिस्तान अगर वो जाती है तो वहाँ जाकर के वो अपना वापस इस्लाम अपना पाएगी या फिर नहीं? नहीं पाएगी। नहीं नहीं, इस्लाम वापस पाएगी नहीं, जब उसने यहाँ धर्म बदल लिया है, इंडिया में आ गई तो नहीं धर्म बदलेगी नहीं, अब धर्म दोबारा तो बदल लिया। देखो औरत का कोई धर्म नहीं होता है, पुराने जमाने में भी अंतर जाति विवाह होता रहे, अच्छे अच्छे राजन के, ऋषि मुनियों के, औरत की कोई जात नहीं है, आदमी की जात से हो गया। अब ये मोदी जी ने कर दिया है, औरत आगे कर दी है, तो अब ये दो शांत है, अब औरत मुखिया हो गई है, तो हमें से पुरानी बात बता रहे हैं, औरत की कोई जात ना होती, और इश्क एक ऐसी चीज है, ऋषि मुनि टिक गए ये रुक नहीं सकता, बीमारी ऐसी है जा कोई इलाज नहीं है, अब ये जांच कर लो, मेरे ख्याल से तो अब बनी रहा सोई अच्छी। चार बच्चे लेकर आई है वहाँ से। हाँ, तो चार बच्चों के साथ में वो यहाँ पर आई है, पाकिस्तान का वीजा, वो उसके हिंदुस्तान का वीजा नहीं है उसके पास। हाँ, और
आप कह रहे हैं कि वो जासूस नहीं हो सकती, उसके पास से कई मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड भी पाए गए हैं, आधार कार्ड दो तीन तरह के पाए गए हैं, ऐसा जैसा बता रहे हैं लोग, तो क्या लगता है आपको? तो वो तो जांच करेगी सरकार, जो कोई सुन रहा है वो जांच करेगी सरकार, है तो थोड़ी यदि जांच में वो सही है और मुझे तो वो सही दिख रही है, बाकी 420 आदमी तो एड्रेस ही गलत होंगे, बाकी बाकी सिर्फ सही पते निकले, मीडिया मिल भी रहा है। अब जिस काम सरकार का है, अब न्याय का और उसका तो ये है कि अब इंडिया में आ गई है शरणार्थी को शरण दी है, तो चाहे इंडिया गलती से चाहे काई से, अब तो उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये धर्म अब, कहता अब है वो शरणार्थी है, शरणार्थी है। चलिए, और साहब में औरत है, औरत प्रकृति है, प्रकृति के खिलाफ मन जाओ, अपनी जांच कर लो कैसी है क्या है, ऐसी कार्रवाई करो, ये जांच में सही पाए जाते हैं तो भाई अब सही है, बनी रहने दो, मैंने पाप पड़ेगा ये तो मारी जाएगी वहाँ, पाकिस्तान जाएगी मारी, हाँ तो ये हत्या का पाप इंडिया पे लगेगा। दुबई से उनके पति जो पूर्व पति हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मेरा निवेदन है कि वो हमारी पत्नी को वापस लौटा दे। अरे मुझे तो आइया है पहले की छोड़ दी, जाकि जवान क्या है, पहली भी तो लगाई छोड़ दी, बाकी दो बच्चे जी पाल रही है, दो जाके हैं, ऐसे हैं चार, वैसे जाके तो दो ही हैं। अब भैया तो आइया तो होते हैं लोग 10-10 औरतें कर लें, 20-20 कर लें, इनका क्या है भाई, हमारे यहाँ औरत का सम्मान है, औरत पूजनीय है, तो हम तो अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो शरणार्थी है, चाहे भले कुछ भी हो, माँ मरने न दे, यहाँ चाहे जेल में डाल रहे हैं चाहे कचू कर रहे, तहकीकात कर लें, अब तो वो यहीं रहे तो धर्म है, भारत में ही रहने दे, लेकिन भाई जेल में डाल दो, जेल में डाल दे कचू, बाकी भाई जांच कर लो, बाकी जांच करके और भाई ऐसा करो बस सुविधा दे कुछ, और बाकी पूरी जांच करके और फिर रखो जाए, खाने पीने का व्यवस्था करो, हाँ बाकी गरीब है लड़का सचिन, तो ये तो न्याय पुराने जमाने का, हमारे यहाँ जो न्याय हो तो वो तो न्याय की मांग यही है कि जी अब इंडिया ही में रहनी चाहिए। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें, कोई भारत की लड़की अगर पाकिस्तान गई होती, वो तो हम जानते हैं वहाँ काट दी जाएंगी, वो तो वहाँ का रगड़ा निरी हिंदू और वे रोज आए दिन होते रहते हैं, तो वैसे तैसे को वैसा नहीं बनना चाहिए, अपना धर्म तो जिए, उनका धर्म वो है, सनातन धर्म में जो बातें हैं, सनातन धर्म में दया है, शांति है, दया है, और समझ ले क्षमा है, हर चीज है, इसलिए जय हिंदुस्तान और काय स्वांग है, ये सनातन धर्म जो सब चीज आती है, तो जो भगवान के भक्त है, तो अनिरीत करवे को बहुत ही मतलब जा से डरपत है, काऊ के संगे अनिरीत न होनी चाहिए, आप बेकर रहे बेजाने, पर हिंदुस्तानी आदमी सहज अनिरीत नहीं करता, अपना धर्म नहीं छोड़ेगा हिंदू आदमी, जे फर्क है, धर्म की यही मांग है कि शरणार्थी है वो, अपनी जांच करें और जेल में डाले वहाँ न भेजे तो जगह जिंदगी तो बची जाएगी, माँ तो कटी जाएगी, अब कहाँ करे वो कहीं रहो है, तो एक ये तो देख के धर्म ये कहता है इसकी पहले जान बचा, औरत पे है, औरत पे दया करनी चाहिए, और वैसे जो जैसी भी है वो सरकार जांच करेगी, वहाँ न भेजे, वापस नहीं भेजे, वापस नहीं भेजे, वो चाहे जेल में डाले सरकार, लोग ऐसे रहने नहीं देंगे, वो हाल ही काट देंगे, निरो हिंदू लड़कियां कैसे काट देता है, रोजाना पेपर में आती रहती, सिंधी पंजाबी हो तो जाए कहां छोड़ देंगे, पाकिस्तान में हजारों आदमी काट डाले, तब जो ये सिंधी पंजाबी तब देश में अपने भारत में ये लगे यार भाई सवर्ण, तब तो वो आइया है यहाँ, यहाँ उसको दिख रही की जिंदगी वहाँ मेरी बची जाएगी, तभी तो आई है वो, तभी तो हम शरणार्थी कह रहे हैं, शरणार्थी की रक्षा करना धर्म है, क्या क्या लगता है आपको? अरे जी औरत को यहीं रहने दें, चाहे जासूस हो भाई जांच कर लें, और पूरा पाकिस्तान आज तक भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बर्बाद हो गया, रोटी को पानी को कोई चीज नहीं है, बिका हुआ है माल, तो यहाँ वो आस लेके आई है, तो भाई यहीं बनो रहने दें, जासूस निकली तो जासूस जांच करे सरकार, जांच करो जिम्मेदारी है, वो तो सरकार ऊपर है, अगर जांच करे, अरे तो जेल में डाल दो वहाँ मत भेजो, माँ काट दी जाएगी जी, पाप इंडिया में पड़ जाएगा, हमारे धर्म को पड़ जाएगा, धन्यवाद।
तो जैसा यहाँ हमने जिन बुजुर्गों से बात की, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं ये भारत के, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर एक ही बात सबने मिलकर कही कि शरणार्थी है अब वो, अगर भारत में आ गई है, और शरणार्थियों की भारत को, सनातन धर्म को उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे भारत में ही रहने देना चाहिए, पाकिस्तान वापस नहीं भेजना चाहिए।